तो हम लोग आए आज पटेल नगर, पटेल नगर में हम लोग आए गोले दी हट्टी। आप अगर पटेल नगर वालों से पूछो या आसपास जितने लोग रहते हैं कीर्ति नगर मोती नगर, तो वो आपको ये बताएगी कि उनका जो वजन बढ़ा हुआ है उसमें न्यू गोले दी हट्टी का काफ़ी मेजर रोल है। तो शॉप की पहले आपको लोकेशन समझा देता हूँ मैं। ये जो शॉप की लोकेशन है, ये आप अगर पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बीच में और शादीपुर मेट्रो स्टेशन के बीच में ये लोकेशन पड़ती है, सुजुकी के शोरूम के, जो बाइक वाला सुजुकी है उसके बिल्कुल बैंक ऑपोजिट पड़ता है ये न्यू गोले दी हट्टी। वैसे तो जगह काफ़ी फेमस है, आप सबसे पूछ सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खाने में। तो ये शॉप है इनकी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेटअप है। लास्ट टाइम आया तो एयर कंडीशन नहीं था, उन्होंने पूरी दुकान एसी कर दी है। तो हम लोग नान ले गए, मैं आपको छोले दिखाता हूँ कैसे हैं। तो ये कह रहे हैं अंकल कि छोलों में प्याज नहीं होता और प्याज अलग से दिए जाते हैं। हमने एक प्लेट ऑर्डर करे है अभी, साथ में ये पालक है इनकी। तो एक बार आपको मैं इनका मेन्यू भी दिखाया था, आप देख सकते हो मेन्यू। पनीर वाला 90 रुपये का, आलू वाला 80 का है, गोभी वाला भी 80 का है, सादा नान 50 का है, एक प्लेट छोले चावल 50 के है, प्लेट हाँ जी पुलाव छोले या भी छोले चावल जो भी है। तो हमारा पुलाव तो आ गया है, एक एक करके आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें दी जाती है साथ में, जिसे अकम्पलीमेंट्स कहते हैं। ये कह रहे हैं हमारे खाने में प्याज नहीं होता, लेकिन प्याज अलग से देते हैं। प्याज है, गाजर का अचार है, मिर्च है, इसमें सौंठ डाली है और एक दूसरे टाइप की भी चटनी डाली है। जो छोले हैं इनके वो आपके, आप देख सकते हो ऊपर पालक डाल रखे इन्होंने छोलों पर। इनका पुलाव है, इस पुलाव में इन्होंने मटर पनीर फ्राइड है और हमारे नान अभी आए नहीं हैं, तो खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। ठीक है, मुझे इतना भैया। तो हम लोग पहले अपने चावल खा के देखते हैं। मैं इस पर छोले डालता हूँ जो पालक के साथ है। छोलों का अगर मैं इंडिविजुअली खा के देखूँ पहले, काफ़ी प्रोमिनेंट फ्लेवर इसमें काली मिर्च का आ रहा है एंड इसमें प्याज नहीं है, बड़े अच्छे खड़े मसाले हैं। हमारा आप देख सकते हो नान भी आ चुका है, थोड़ा बहुत जो हमारे छोले हैं उसको चावल मिक्स कर देते हैं। जो टेस्ट है चावल का छोलों के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट है। या के जो है ये छोटे, ये जो चने हैं, जो छोटे चने आते हैं वो है, ये जो छोले होते हैं बड़े वाले वो यूज़ नहीं कर रही है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसमें, ये ऐसा नहीं है कि आप खा के, मैंने देखा काफ़ी जगह पे छोले कुलचे या छोले भटूरे मिलते हैं, वो हमेशा छोलों को ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसअप कर देते हैं कि आप दोबारा से रिपीट ना ले लो, लेकिन ये बिल्कुल ही माइल्डली स्पाइस है, काफ़ी कम्फर्टेबल है खाने में। ये 70 रुपये के, और 70 रुपये में आई थिंक पोर्शन काफ़ी एक बंदे के लिए खाना खाने के लिए। अब हम आ जाते हैं इनके, जो इनका नान है बिल्कुल देसी घी की इसमें खुशबू आ रही है, आप देख सकते हो। इसको तोड़ते हैं हम लोग, हमने आलू प्याज के लिए जो 80 रुपये के, आप आलू के ना स्टफिंग देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी मिर्च है, धनिया है, थोड़ी लाल मिर्च है, थोड़ा सा पनीर भी है, पनीर वाला नहीं जैसे गलती से गिर गया हो, प्याज है। अगर मैं इंडिविजुअली भी ये खा के देखता हूँ बिना किसी
चोलों के या फिर अचार के। आपको भी अगर कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे छोले भटूरे या छोलों के साथ कोई अच्छी कॉम्प्लीमेंट कोई चीज़ मिलती है जैसे चावल हो गए, तो आप नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। काफ़ी दिनों से वेजिटेरियन जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे वो कहते हैं हमने सारी नॉन वेज आइटम्स दिखाई है, तो अभी जामा मस्जिद सीरीज़ ख़त्म किया, जामा मस्जिद में वेजिटेरियन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिलती, तो हमने सोचा आप थोड़ा वेज भी दिखा दें। तो ये वेज ऑप्शन है, अगर आप सेंट्रल दिल्ली में रहते हो या फिर आप यहाँ से मेट्रो भी आ सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। खाना बिल्कुल लाइट है एंड अचार कॉम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे हैं, छोले बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग फ्लेवर्स है, पूरा खड़े मसालों का फ्लेवर आ रहा है छोलों में। एंड जो प्रोडक्ट यूज़ करा गया है, जो डीसी यूज़ करा है, वो भी बिल्कुल क्वालिटी में है, बिल्कुल एयर कंडीशन शॉप कर ली इन्होंने, पहले इनकी एयर कंडीशन शॉप नहीं होती थी, अब इन्होंने आप कंफर्टेबली इतनी गर्मी में बैठ के आप ये फूड इन्जॉय कर सकते हो। यूजली दिक्कत ये रहती है कि ऐसी जगह जाओ तो ये फूड इसलिए नहीं इन्जॉय कर पाते क्योंकि गर्मी होती है, अब आप ये जो खाना है वो गर्मी में इन्जॉय कर सकते हो, एयर कंडीशन कर दिया इन्होंने। एंड अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब टू आवर HMM फूडी फैमिली एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर वेजिटेरियन फ्रेंड्स। आप भी आओ गोले दी हट्टी, इन्जॉय करो नान के छोले, अमेजिंग फ्लेवर्स, टू गुड। मेरे को हो गए आज करीब 15 या 18 साल के, मेरे फादर साहब ने मेरे को ये शॉप दिखाया था जी, तब से ही अच्छा जी रेगुलरली आता हूँ। तो यहाँ के अब क्या खास लगते हैं जो और कहीं कहीं लगते हैं आपको? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और एक हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना है और ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, घर की तरह लगता है बिल्कुल बिल्कुल। उतना जो अक्सर बाहर स्ट्रीट फूड्स में प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा स्पाइसी फूड्स की होती है। और तीसरा ये है कि रीजनेबली प्राइस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओवर द टॉप है जी जी। और बट मेरे को मेन यही लगता है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और साफ़ सुथरा खाना है, अमेजिंग।